नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। श्री वंशीधर नगर स्थानीय थाना परिसर में डीएसपी नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आचार संहिता को देखते हुए गुप्त सूचना के आधार पर चेचरिया स्थित उमाशंकर प्रसाद व वार्ड पार्षद तीन रंजन कुमार के मकान में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी में उमाशंकर प्रसाद ठंडे दुकान के पीछे के हिस्से में पी रहे लोग भागने में सफल रहे हैं। अभियान के दौरान डीएसपी नीरज कुमार ने उमाशंकर प्रसाद व रंजन कुमार के घर के सभी कमरों की छानबीन की। एसडीपीओ नीरज कुमार ने बताया, आचार संहिता ध्यान में रखते हुए सभी जगहों और जहां जहां गुप्त सूचना प्राप्त हो रही है, पुलिस के कार्यवाही की जा रही है। यह संदेश सभी लोगों को दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार दारू व्यापार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छानबीन के दौरान 5 पेटी भारी मात्रा में शराब पाई गई, जिसमें मैकडॉवल्स 24, ओल्डमो 42, ऑफिसर चॉइस 10 पाई गई। उन्होंने कहा कि वार्ड पार्षद रंजन कुमार और उसके भाई भी फरार हो गए। गुप्त सूचना के आधार पर नगरोटारी बाजार में छोटू उर्फ रंजन के दुकान से, दुकान के अंदर में घर भी है, दुकान भी है, उसके अंदर से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया, इंग्लिश शराब, और साथ में वहां पर बैठ करके कुछ लोग दारू पी रहे थे। उनको भी जो है हम लोग पकड़ने का प्रयास किए, लेकिन उन्हें भागने में सफल रहे। दारू बरामद हुआ है, लेकिन किसी भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, क्योंकि सभी लोग जो है भाग चुके हैं। और आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए जो है सभी जगहों पर जो है जहाँ जहाँ जो है गुप्त सूचना प्राप्त हो रही है, पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। और यह संदेश सभी लोगों को दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का जो है वो दारू या अवैध जो है वो मदिरा का व्यापार जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।